गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश ग्रामर में लेटर ऑफ कंप्लेन। ठीक है, एक मैं सैम्पल लेटर आपको लिखवा रही हूँ और इसके मैं दो सैम्पल लेटर लिखवाऊंगी। आप एक बार इन्हें अच्छे से रीड कीजिएगा दो तीन बार और अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। इस तरीके के लेटर आपके आ सकते हैं। ठीक है, एक बार देखिए इसका जो वो है मेन सब्जेक्ट क्या है। यू आर राहुल, मतलब आपको क्या कहा गया, राहुल। और जो इसमें मेंशन होगा, चाहे नाम वो कुछ भी लिखा हो, वो ही आपको लिखना होगा। और वैसे तो एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखा हो। यू आर राहुल लिविंग एट 15 कवि नगर गाजियाबाद। राइट अ लेटर टू प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक, आपको किसको लेटर लिखना है, प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक्स को लिखना है जो कि गाजियाबाद में है। कंप्लेनिंग दैट द वॉशिंग मशीन यू बोट फ्रॉम देम लास्ट ईयर, जो वॉशिंग मशीन तुमने लास्ट ईयर खरीदी थी वो क्या हो गई है, लास्ट ईयर जो तुमने खरीदी थी किससे, प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद की जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। हैज स्टार्टेड गिविंग ट्रबल, अब उसने क्या शुरू कर दिया है, मतलब परेशानी करनी शुरू कर दी है। रिक्वेस्ट दैम, उनको रिक्वेस्ट करनी है टू सेंड ए मैकेनिक टू रिपेयर वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए मैकेनिक को भेजने के लिए। ठीक है, तो आप इसमें स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे 15। ठीक है, 15 यहाँ पर दिया हुआ है, 15 कवि नगर गाजियाबाद, सबसे पहले ये लिखेंगे हम उसका एड्रेस। नेक्स्ट सबसे नीचे लिखेंगे फिर उसके बाद डेट। अब जैसे कि आज जो भी डेट है, जैसे 30 दिसंबर है, तो दिसंबर पूरा लिखेंगे, ये नहीं कि ईसी लिख के छोड़ देंगे, पूरा दिसंबर। ठीक है, चाहे कोई सा भी मंथ हो, फिर कॉमा लगा के 2020 लिख दिया। उसके बाद नीचे फिर जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उस इलेक्ट्रॉनिक्स या कंपनी जो भी है उसका नाम लिखेंगे। तो ये है एम अपॉन एस प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक, ये लिखा हुआ है, फिर गाजियाबाद वो जो जिस सिटी से बिलोंग करता है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, टू अ डीलर, डीलर को कंप्लेनिंग अबाउट वॉशिंग मशीन, डीलर को कंप्लेन करनी अबाउट किसके बारे में, वॉशिंग मशीन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, डियर सर आई बॉट अ क्लीन वॉशिंग मशीन फ्रॉम यू वाइड कैश मेमो नंबर PE5301 डेटेड 5th February 2020। वो कह रहा है कि मैंने आपके यहाँ से क्लीन वॉशिंग मतलब वॉशिंग मशीन बोट की थी, मतलब खरीदी थी फ्रॉम यू, तुम्हारे यहाँ से वाइड कैश मेमो नंबर क्या बताया उसने, PE5301 पर, और डेट क्या है, 5th February 2020। ठीक, इट वर्कड वेल फॉर अ फ्यू मंथ, इसने मतलब कुछ महीने तो अच्छा काम किया। नाउ इट हैज स्टार्टेड गिविंग ट्रबल, लेकिन अब इसने क्या करना शुरू कर दिया है, ट्रबल करना या परेशान करना शुरू कर दिया है। द रोटर्स डज नॉट मूव, जो रोटर है उसका अच्छे से मूव नहीं कर रहा है। देर इज अ स्ट्रेंज साउंड कमिंग फ्रॉम इट, और इसके अंदर से मतलब स्ट्रेंज अजीब सी साउंड्स आ रही हैं। ऑल्सो द मशीन डज नॉट वॉश वेल, और साथ ही क्या है, मशीन अच्छे से वॉश भी नहीं कर रही है ना। ड्रायर हैज़ गोन ऑफ, और जो ड्रायर है वो भी ख़राब हो गया है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड योर टेक्नीशियन एट वंस, और अभी तुरंत एक आप इससे रिक्वेस्ट है कि क्या भेज दें, एक टेक्नीशियन को भेज दें। इट इज़ स्टिल अंडर वारंटी, और यह अभी भी वारंटी के अंदर है जो वॉशिंग मशीन है। एंड अर्ली एक्शन विल बी अप्रिशिएटेड, मतलब कि आपका जो एक्शन है वो अप्रिशिएट किया जाएगा, जल्दी से जल्दी आप भेजेंगे तो। फिर थैंकिंग यू योर्स फेथफुली राहुल, या जो भी उसमें नाम दिया होगा लेटर में वो आपको लिखना है। ओके, ये तो हो गया आपका फर्स्ट सैम्पल। दूसरा देखिए, यू आर अंकुर ऑफ 16 विवेक बिहार न्यू दिल्ली, यू आर परचेज द कलर टीवी फ्रॉम बैटर डील्स टीवी करोल बाग न्यू दिल्ली, राइट ए लेटर टू सेल्स मैनेजर कंप्लेनिंग अबाउट द टीवी विच इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, आस्क फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ टीवी सेट। उन्हें टीवी सेट आपने क्या किया है, आप अंकुर हैं, विवेक बिहार दिल्ली में रहते हैं, ठीक, और आपने एक टीवी परचेज किया था कहाँ से, बैटर डील्स टीवी करोल बाग न्यू दिल्ली से, और आपको सेल्स मैनेजर को एक कंप्लेनिंग लेटर लिखना है जिसमें कि आपको जो आपका टीवी है वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा है, और आस्क फॉर देम रिप्लेसमेंट ऑफ द टीवी सेट, और आपको वो टीवी सेट को क्या करना है, रिप्लेसमेंट करने के लिए कंप्लेनिंग लेटर लिखना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे 16 विवेक बिहार जो कि उसमें लेटर में दिया हुआ है, न्यू दिल्ली, फिर हमारा जो भी डेट होगी वो डालेंगे, ठीक है, जिस डेट को हम लेटर लिख रहे हैं। फिर सेल्स मैनेजर को हम सब डाल के लिख रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो सेल्स मैनेजर MS बैटर DS TV उस कंपनी का नाम, करोल बाग जहाँ पर वो है, न्यू दिल्ली सिटी का नाम। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट कंप्लेन अबाउट टीवी, और किस लिए कंप्लेन कर रहे हैं, हम टीवी के कंप्लेनिंग कर रहे हैं, या ये भी लिख सकते हैं कंप्लेनिंग अबाउट रिप्लेसमेंट ऑफ टीवी। नेक्स्ट है, डियर सर इट इज़ टू ब्रिंग टू यू काइंड नोटिस, ठीक है,
इट इज़ टू ब्रिंग टू यू योर काइंड नोटिस दैट आई परचेज अ क्राउन टीवी वाइट कैश मेमो दैट डेटेड 10th February 2016। वो कह रहा है ये काइंड मैं आपको टेंशन दिलाना चाहता हूँ, मतलब काइंडली, मतलब विनम्रता से यह अटेंशन नोटिस देना करना चाहता हूँ कि आई परचेज अ क्राउन टीवी, मैंने एक क्राउन टीवी परचेज किया था किस कौन सी कैश मेमो के साथ, BD 1507, किस तारीख को, डेटेड 10th February 2020। फॉर 3 months इट फंक्शनड सेटिस्फैक्ट्रीली, इसने 3 महीने तक तो बहुत अच्छे से फंक्शन किया, अच्छे से संतोषजनक। देयर आफ्टर उसके बाद इट डेवलप्ड सम टेक्निकल डिफेक्ट्स, इसके बाद इसने क्या कर दिया, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स शुरू हो गए हैं। इट गॉट ब्लैक्ड आउट, द पिक्चर बिकेम वैग, और जो उसकी जो पिक्चर है वो वैग हो गई, मतलब वो ब्लैंक हो गई है और अब नहीं ये दिखती है, मतलब ब्लैक हो गई है, बिल्कुल ब्लैंक आउट। द साउंड ऑल्सो बिकेम अनक्लियर, जो साउंड है वो भी क्लियर नहीं आ रही है। योर टेक्निकल इंजीनियर इंस्पेक्टेड इट, जो तुम्हारे टेक्निकल इंजीनियर है वो इसे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इसका निरीक्षण कर सकते हैं। बट ही कुड नॉट रिमूव दीज फॉल्ट, लेकिन वो इन फॉल्ट्स को रिमूव नहीं कर सकते। नाउ द टीवी हैज़ स्टॉप्ड गिविंग सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, तो अब जो टीवी है उसने सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देनी बंद कर दी है। ठीक है, जो आपके वो थे जो टेक्निकल इंजीनियर, उन्होंने इंस्पेक्ट किया था लेकिन वो जो उस फॉल्ट को रिमूव नहीं कर सके, उन्होंने बोला कि वो आए थे इंजीनियर लेकिन वो रिमूव नहीं कर सके, तो अब उसने सेटिस्फैक्ट्री फंक्शन परफॉर्मेंस देनी बंद कर दी है। द टीवी इज़ अंडर वारंटी पीरियड, और तो टीवी अभी भी हमारा किसके अंदर है, वारंटी पीरियड के अंदर है। जैसे वारंटी होती है तो उसके अंदर वो चेंज करेंगे या कुछ भी, या वो उसे सही करवाएंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस द सेट इमीडिएटली, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सेट को इमीडिएटली तुरंत ही रिप्लेस कर दिया जाए, इसके बदले में नया सेट दे दिया जाए। थैंक यू, योर्स फेथफुली अंकुर, और ये फिर लास्ट में लिखेंगे जो भी उसको नाम दिया हुआ है। अगर वो आपको कहते हैं कि आपको एक्स वाई जेड शो करना है अपने नाम के आगे, तो आप यहाँ पर योर्स फेथफुली के नीचे लिखेंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, उसके बाद ये आपका ये वाला जो मैंने होमवर्क के रूप में दिया है ये आपको खुद करना है, तो ये आप मुझे करके सेंड करेंगे ग्रुप में। ठीक है, और ये दोनों आप अपनी कॉपी में करेंगे पूरा, और इसे अच्छे से 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हमें लेटर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।